तीन चीजें खा लो, अगले 100 साल तक रहोगे बिल्कुल निरोगी। डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, पेट के रोग, मोटापा, हड्डियों की कमजोरी, आंखों की कमजोरी, जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द और ये दिल की बीमारियां आपको कभी नहीं होंगी। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी चमत्कारी तीन चीजों के बारे में बताएंगे। दोस्तों यदि आप इन तीनों चीजों का सेवन लगातार कुछ दिन कर लेते हैं तब दोस्तों आपको अपने शरीर में चमत्कारी बदलाव महसूस होंगे। दोस्तों आपका एड़ी से लेकर चोटी तक का पूरा शरीर बिल्कुल निरोगी बन जाएगा। दोस्तों आपके शरीर की सभी बीमारियों को चाट जाएंगी ये सिर्फ तीन चीजें। आपको कभी डायबिटीज की बीमारी नहीं होगी, यदि आपको डायबिटीज है तो वो भी कंट्रोल में रहेगी। दोस्तों कोलेस्ट्रॉल यानी शरीर से बुरा कोलेस्ट्रॉल दूर होगा, अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा शरीर में रहेगी जिससे कि आपको ना तो कभी हार्ट ब्लॉकेज आएगी और आप हार्ट अटैक जैसी बीमारियों से भी बचे रहेंगे। दोस्तों यदि आपके शरीर पर अतिरिक्त मोटापा है, पेट की चर्बी है तो दोस्तों वो भी पिघल जाएगी, आपके हड्डियों की कमजोरी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी और आपके शरीर की हड्डियां वज्र के समान मजबूत बन जाएंगी। आपको जोड़ों और घुटनों के दर्द या गठिया के दर्द का सामना नहीं करना पड़ेगा। आंखों की रोशनी बढ़ जाएगी, आंखों की कमजोरी दूर हो जाएगी, आपके शरीर का खून साफ हो जाएगा, खून की कमी दूर होगी और शरीर का खून साफ होगा जिससे कि आपके चेहरे पर भी नया ग्लो आ जाएगा। आपके चेहरे की सुंदरता में 4 चांद लग जाएंगे, आपके शरीर की इम्यून पावर बढ़ जाएगी और दोस्तों ये सभी काम इन तीन चीजों को खाने से हो जाएंगे। और दोस्तों ये तीन चीजें हैं, पहली है कलौंजी। दोस्तों कलौंजी के फायदे कौन नहीं जानता, हमारे शरीर की हर बीमारी का इलाज इस कलौंजी के पास है और दोस्तों आयुर्वेद में कहा जाता है कि मौत को छोड़कर शरीर की हर बीमारी का इलाज इस कलौंजी के पास है। और दोस्तों आपने कलौंजी का जो सेवन करना है वो करना है, रात को 1 चम्मच कलौंजी के बीज लेने हैं और इनको रात भर के लिए 1 गिलास पानी में भिगोकर रख देना है और सुबह आपने उस पानी को पी लेना है और उन कलौंजी के बीजों को भी चबा चबा कर खा लेना है। आप इसकी जगह पर कलौंजी के तेल का प्रयोग भी कर सकते हैं यदि आपके पास तेल है। जब भी आप दिन में पानी पिए तो 2 बूंद कलौंजी के तेल की डालकर पिए, यानी दोनों तरीकों से आप कलौंजी का प्रयोग कर सकते हैं। और जो अगली समय सामग्री है दोस्तों वो है अलसी। दोस्तों अलसी के फायदों को कौन नहीं जानता। दोस्तों अलसी हमारे शरीर की बहुत सारी बीमारियों का इलाज है, मोटापे को कंट्रोल करने के लिए एक रामबाण औषधि है क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है तो ये हमारी दिल की बीमारियों का भी एक कारगर इलाज है। दोस्तों आपको अलसी का भी सेवन करना चाहिए, अलसी का सेवन भी बहुत अधिक चमत्कारी है। और आप अलसी का सेवन कैसे कर सकते हैं, आप अलसी को भी हर रोज भिगोकर सेवन कर सकते हैं। रात में 1 चम्मच अलसी के बीजों को पानी में भिगो देना है और सुबह आपने पानी को भी पी लेना है और अलसी के बीजों को भी चबा चबा कर खा लेना है। एक तरीका ये है, अगला तरीका मैं इस वीडियो के आखिर में आपको बताऊंगा। जो तीसरी इसमें सामग्री है वो है दोस्तों सफेद तिल। और दोस्तों सफेद तिल के फायदे भी आप जानते ही होंगे, सर्दियों में आपने तिल के लड्डू तो खाए ही होंगे और अपने मम्मी या पापा से उनके फायदों के बारे में भी जाना होगा। दोस्तों तिल भी हमारे स्वास्थ्य के लिए एक वरदान की तरह काम करते हैं, चाहे आपके शरीर की हड्डियों को मजबूत बनाना हो या आंखों की रोशनी को बढ़ाना हो, ये आपके शरीर के लिए एक चमत्कारी औषधि की तरह काम करते हैं। दोस्तों यदि आप तिल का सेवन हर रोज करेंगे तो इससे आप दिल की बीमारियों से बचे रहेंगे, डायबिटीज को कंट्रोल में रख पाएंगे और जोड़ों या घुटनों के दर्द का भी इलाज कर सकेंगे। अब जानते हैं कि आप इन तीनों का सेवन कैसे करें। दोस्तों आपने कलौंजी का सेवन तो जैसे मैंने पहले बताया भिगोकर ही करना है, अब आती है अलसी की बात। अलसी को भिगोकर भी सेवन कर सकते हैं या फिर अलसी और तिल को भूनकर उनके लड्डू बनाकर भी आप उनका सेवन कर सकते हैं या फिर अलसी और तिल को भूनकर उनका पाउडर बना के दूध में उबालकर भी उसका सेवन कर सकते हैं, यानी आप किसी भी तरीके से आप अलसी और तिल का सेवन कर सकते हैं, लेकिन आपने इन तीनों चीजों का सेवन करना है। और यदि आप अलसी का भिगोकर सेवन करना चाहते हैं तब दोस्तों आप गैप दीजिए, यानी 21 दिन पहले कलौंजी का सेवन कीजिए, 21 दिन बाद में अलसी का सेवन कीजिए और साथ में आप तिलों वाला दूध पी लीजिए, तिल के साथ आप 2 से 3 बादाम भी कूटकर डाल लीजिए। और दोस्तों यदि आप ऐसा करेंगे तब आपका पूरा शरीर बिल्कुल निरोगी बन जाएगा और 100 सालों तक आपको डॉक्टरों के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों यह थी
हमारी वीडियो। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए। इसके साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का आइकॉन है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी सभी आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। धन्यवाद।